यहाँ हो गया एक ग्रेजुएशन। इनका कहना है कि जब कभी भी ग्रेजुएशन का फॉर्म अलग आता था, ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम थे रेलवे में उसका फॉर्म अलग आता था, जो इंटर लेवल का था उसका अलग आता था, इनके हिसाब से कहना था कि कोई लड़का था जो ग्रेजुएशन में भी पास हो गया, इस लेवल के एग्ज़ाम में भी स्टेशन मास्टर बन गया और इंटर लेवल वाले में भी पास हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता था लड़का कि ग्रेजुएशन वाला नौकरी कर लेता था जो इस लेवल पर है स्टेशन मास्टर, और उसको छोड़ देता था तो खाली रह जाता था। तो भैया ये खाली रहता था रेलवे की बेवकूफ़ी से। बेवकूफ़ी कैसे, मान के चलिए कि इसमें कट ऑफ गया था 82 नंबर और इसमें कट ऑफ गया था 86 नंबर। तो जो लड़का ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया, 86 नंबर हो गया, स्टेशन मास्टर बन गया सपोज, और उसने इंटर लेवल वाला भी दिया, उसका 82 नंबर आया, इसमें भी पास हो गया, तो उसको कोई एक नौकरी करनी पड़ेगी। तो वो उसने कर लिया ग्रेजुएशन लेवल वाली नौकरी। तो ये खाली कैसे रह गया, रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट इसका निकाला ही नहीं। भैया 82 नंबर कट ऑफ गया था, इसके नीचे 81 वाला कई लड़के होंगे, 80 वाले होंगे, 79 वाले होंगे। जब आपको पता चल गया कि सेम लड़के हैं, इसने यहाँ ज्वाइन कर लिया, तो कहिए कि ठीक है भैया हम तुम्हारे से नीचे वाला जो है वेटिंग लिस्ट वाला उसको कन्फर्म करके उसको जॉब दे देंगे। रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट नहीं किया यहाँ, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो ये यहाँ कौन सा समझदारी कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो पहले ही इनको सुधारना चाहिए। और सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे देखिए, ये जो कहा गया है कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, 20 गुना रिजल्ट ही नहीं है, लगभग ये 11 गुना है, लगभग 11 गुना है। और ये रेलवे खुद कंफर्म नहीं कर रही है कि कितना गुना है, वरना पोल पट्टी खुल जाएगा। यहाँ पर इतना बेवकूफ़ी भरा यहाँ पर काम किया गया है। और इंटरमीडिएट के लड़के नौकरी नहीं मांग रहे हैं, उनका कहना है कि हमको ग्रेजुएशन वालों के साथ बैठा है, उसके बाद हमको पास भी नहीं किए, हमको सेकेंड फेज का एग्ज़ाम देने दो, सेकेंड फेज का एग्ज़ाम भी नहीं दिए देने दिया जा रहा है इन लोगों को, ऐसा ऐसा बात हो गया। अब बताइए ये लड़का क्या करेंगे सर, लड़कों का कोई दर्द समझेगा। सुनिए यहाँ पर आपको हम कमेंट दिखाते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट की लड़की बेचा, मेरा 74 नंबर आए थे, 3 साल से सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी कर रही थी, CBT 2 के मॉक टेस्ट में मेरा 120 में से 100 से 105 नंबर तक स्कोर करने लगी थी, लेकिन आज रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरा पहला पेपर ही नहीं हुआ। ये नौकरी नहीं मांग रही है, ये लड़की 73 नंबर लाई है, और इसको केवल इसलिए फेल किया गया है, फेल इसलिए किया गया है क्योंकि इसके साथ बैठाया गया था ग्रेजुएशन वाले लड़कों को। तो ग्रेजुएशन वाले कैसे नहीं निकल जाएंगे आगे, कह रही है कि मैं ज़िंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं हारी, लेकिन सिस्टम की चालाकी और साजिशों ने पटक पटक कर हरा दिया, जीने से ज़्यादा मेरे लिए मरना सुलभ हो गया। सभी गुरुजनों से निवेदन है कि मेरे बाद अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह की साजिश होने ना दे। जय हिंद, खुश रहना मेरे देश के प्यारों। सुसाइड करने का नौबत आ गया है। ये है पूरे रेलवे का, जो काम CBT 2 यानी सेकेंड फेज में करना चाहिए, रेलवे ने अपने फर्स्ट फेज के एग्जाम में ऐसा काम किया है। ये पूरे पृथ्वी पर ऐसा कारनामा भारतीय रेल का RRB ही कर सकता है पूरे पृथ्वी पर, क्योंकि ऐसा विचित्र लोग कहीं नहीं मिलेंगे पूरे पृथ्वी पर भी, ऐसा काम किया। अभी तो तांडव बाकी है सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में इन्होंने कहा है कि हम स्टेशन मास्टर लेवल का अलग एग्ज़ाम लेंगे, मतलब जो अलग अलग लेवल का अलग एग्ज़ाम देंगे। अब एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ है, उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारा 4 बार एग्ज़ाम लेंगे। अब ये बताइए, मान के चलिए कि उसका एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ है तो 4 बार एग्ज़ाम देगा, उसका एक एग्ज़ाम सेंटर बेंगलोर हो गया, अगले दिन उसका एग्ज़ाम सेंटर इलाहाबाद हो गया, अगले दिन गुवाहाटी हो गया, उसके अगले दिन कलकत्ता हो गया, मर जाएगा लड़का एग्ज़ाम देते देते। एक लड़के को 4 जगह एग्ज़ाम देना है, क्या ट्रेन नहीं चल रही है कोरोना के वजह से, कहने कहाँ से एग्ज़ाम दिला देंगे ये लोग।